और लामा दाई को मैं मिलने आ चुका हूँ। और अरे मारे लामा दाई, लामा दाई ये रहे। और लामा दाई हाय तो बोल दो अपने सब्सक्राइबर्स को। लामा दाई लग रहा है यो यार, माइक्रोफोन में अटैच करते करते ना तंग आ गया मैं। अंदर से क्या हो रहा है, इसका बटन है ना वो ऑन ऑफ अपने आप हो जा रहा, तो मैंने टेप लगाई उसमें भी, तब से टाइम जब मैं फंसा हुआ था। तो कहाँ चल रहे लामा दाई बताओ आप? देखिए धन्नो रेडी है पूरी साफ सुथरी, व्हाइट धन्नो और काली धन्नो तो आपको पता ही है भाई। 500 और 350 आग लगा के रखी है रोडों पे हम दोनों ने मिलके, तो मिलके बन जाती है करीब करीब 850 cc की गाड़ी। तो भाई चलते हैं फिर बढ़िया सी जगह, मिलते हैं आपसे अगले। चा तो भाई लामा दाई कह रहे हैं कि शिवरात्रि का टाइम है और गर्मी का एहसास उन्हें लग चुका है, गर्मी बहुत बेहतर हो रही है भाई, तो भाई इसलिए टी शर्ट में घूम रहे हैं। भाई को ठंडा पहले भी नहीं लगता था, भाई को ठंडा अब क्या लगेगा? तो भाई मैं तो फुल जैकेटों में हूँ, आप देख लो भाई मेरे को तो ठंडा लगता है, तो थोड़ा मैं सेफ्टी साइड लेके चलता हूँ गाइज। और बढ़िया बढ़िया धीमी धीमी मतलब स्पीड में जा रहे हैं, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यार, रास्ता भी एकदम सुहाना है ना, तो राइड का मज़ा इसी में। तो मेनली हम ट्रैफिक से इसलिए नहीं गए क्योंकि यार ट्रैफिक में मज़ा नहीं आता, रुकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और लामा दाई को भी रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है, और लामा दाई भी थम्स अप दे रहे हैं। और काफ़ी देखो पहाड़ों का रास्ता है, पूरा का पूरा पहाड़ एकदम कवर हो रखा है धूप से, और आई थिंक वहाँ की तरफ बादल लग गए हैं, आई डोंट नो बादल लगे हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि मेरे को मैंने कहा मेरा विजर काला है तो मुझे काला ही दिख रहा है सब कुछ। और आप देख सकते हैं मौसम किस तरीके का हो रहा है, और ग्राउंड भी इतना बढ़िया है, आर्मी का ग्राउंड है, ट्रेनिंग ग्राउंड है ये हमारे यहाँ का। पहले मैं भी यहाँ जाया करता था बहुत साल पहले, 10 साल पहले मैं इन क्वार्टरों में रहता था, तो भाई 10 साल पहले मैं आता था, अब तो खैर अलाउ नहीं है जाना आई थिंक, क्योंकि यहाँ जालियाँ लगा दी हैं, हमारे टाइम पे यहाँ जालियाँ नहीं होती थी, तो मज़ा आता था यहाँ जाने में जंगल के एरिया में पूरा घुस के ना। निकल चुका हूँ मैं वहाँ से कुछ छुपाने के ट्रैफिक से, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था यार गाइस वहाँ पे। यार मुझे लगता है मैंने एक जैकेट डाल के गलती कर दी क्योंकि ऊपर की तरफ हो रहा है ठंडा, क्योंकि एज यू नो बादल लगे हुए हैं, और एक्सपल्स वाला भाई भी बड़ा तेज निकला भाई एकदम स्पीड में। और इस एरिया को बोलते हैं जोड़ी गाँव, आई थिंक जोड़ी गाँव ही है ना, हाँ जोड़ी गाँव ही बोलते हैं, तो जोड़ी गाँव है ये पूरा एरिया, काफ़ी अच्छा सुंदर एरिया है ये भी। अभी हम रोड पे इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, बट अंदर की तरफ जैसे आप जाते जाएंगे तो काफ़ी घर यहाँ पे बसे पड़े हैं, और लोग देखो यार तरीके लोग फुल रेंज रोवर में फुल टशनबाजी चल रही है। हम मेन मसूरी रोड पे, जो कि मसूरी जाता है सीधा रास्ता, तो ये शॉर्टकट था जो मैं यहाँ से लेके आ रहा था आपको, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे यू नो वेट करना पड़ेगा, लामा दाई का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ मालसी पार्क एक मालसी वेडिंग पॉइंट भी है, तो आपको पता चल जाएगा। तो टोटल रास्ता ये जाता है सीधे राजपुर रोड, और लामा दाई भी आ चुके हैं हमारे, लामा दाई तो अब चला जाएगा आगे शिव मंदिर, भोलेनाथ जी का मंदिर, तो श्री प्रकेश्वर महादेव मंदिर। तो ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे कोई चढ़ावा नहीं होता है, यहाँ पे आपको चाय भी मिलेगी, और आपको यहाँ प्रसाद भी मिलेगा जिसको आपको खा के बहुत सारी एनर्जी आएगी और मज़ा भी आएगा। यार आई थिंक यू नो इस रोड पे महादेव का ही आशीर्वाद है सबके ऊपर, और राइडर्स आ चुके हैं साथ में, देखूंगा इस राइडर्स आ चुके हैं साथ में, तो राइडर्स के साथ ही चलेंगे अब। राइडर्स ना जाने मज़ा ये है कि राइडर्स यू नो फीलिंग आ जाती है राइडरों के साथ, मैं भी करूंगा राइडिंग का एक प्लान मैंने सोच रखा काफ़ी टाइम से। गाड़ी कर दी है पार्क अभी जस्ट, और मैं लामा दाई पहुँच चुके हैं, भाई हैं यहाँ के ओनर, भाई मुँह छुपा रहे, भाई अपना नाम तो बता दो यार, भाई मुँह छुपा रहे, तो जो ओनर है उन्होंने मुँह छुपा लिया है, वो बोलना नहीं चाह रहे कुछ। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, और इसका नाम है द ग्रिल डैडी, आई थिंक ग्रिल डैडी है ना, तो ग्रिल डैडी है। तो मुझे इस तरीके का माहौल है, लामा दाई कैसा लग रहा है वाला एरिया, कैसे लग रहा है? अच्छा, तो भाई ये हैं भाई ओनर, भाई आपका नाम क्या है? गौरव भाई, कितना टाइम हो गया शॉप खोले हुए? 3 साल हो गए। ओके गौरव भाई, तो हम आपके यहाँ की सबसे फेमस डिश क्या है सबसे ज़्यादा? बर्गर रैप। तो क्या सजेस्ट करोगे, बिरयानी राइस वगैरह कुछ ऐसा है? ऐसा नहीं, स्नैक्स ही है सारा। ओहो, तो भाई सारा का सारा स्नैक का आइटम है, तो स्नैक आइटम थोड़ा कम खाता हूँ मैं, थोड़ा अपन देखते हैं कुछ बढ़िया सा मिल जाए तो खाने के लिए, तो अपन खाएंगे उसको। ओके मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे, और फर्स्ट गियर कैफे गया था तो हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इस वजह से नीचे आना पड़ा हम लोगों को थोड़ा ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ पे आए हैं द ग्रिल कैफ़े, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एरिया है, सराउंडिंग्स हैं, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बैठने के लिए भी काफ़ी सारी जगह है। तो अभी हम ऊपर से नीचे आए हैं गाइस,
और नामादे कहाँ बैठना बताओ, फिर भी गेस तो करो, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, यहाँ नहीं और नीचे चलना पड़ेगा, और नीचे चलते हैं। तो भाई जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी सारे यहाँ पे यू नो काम धाम है। हाँ तो नीचे खाली लग रहा है भाई, नीचे खाली लग रहा है, जाओ। तो लामा दाई और मैं चलते हुए जा रहे हैं नीचे की तरफ। नुकसान पहुंचा रहे हैं सबको, आ चुके हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं व्यू काफ़ी अच्छा व्यू पड़ा हुआ है यहाँ पे। ओके तो भाई हमने मंगा रखा है वेज बर्गर, और मेरा दोस्त है वीडियो कॉल में मेरे साथ सागर, सब्सक्राइबर्स को हाय बोलो। तो मेन कॉल इसको इसीलिए किया था कि सब्सक्राइबर को हाय बोले, तो गाइस आपको दिख रहा होगा मैं हम दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से। सागर कैसा लग रहा है मेरे चैनल में जुड़ के? क्या बर्गर खाने का मन है? ओहो पहाड़ों की मैगी और बर्गर खाने का मन है भाई, भाई का आई थिंक आ चुका है हमारा ऑर्डर। तो भाई क्या क्या है ये? चाय है। ओके और ये डैडीज वाइट बर्गर। तो अरे वाह जबरदस्त, तो भाई हमने लिया है बर्गर और चाय, तो हमारे देख के तो मस्त लग रहा है यार, देखो इसके ना टेस्टी लग रहा है, एकदम यम्मी सा लग रहा है ना, अभी से खा के बताऊंगा कैसा है ये, है जबरदस्त। आ चुका है मेरा बर्गर, काफ़ी मस्त बर्गर लग रहा है ये, काफ़ी टोमेटो टमाटोज वाला फीलिंग आ रही है इससे, खा के बताऊँ कैसे। जबरदस्त था भाई ए1 बर्गर, मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बहुत टेस्टी। और डिसाइडेड हम दोनों डिसाइड किया कि हम जाएंगे फसगिया कैफे, क्योंकि और कैफेज में मुझे खाना इतना कुछ खास लगता नहीं है, क्योंकि मैंने सारे कैफेज में खाना खा रखा है गाइस, ये तो मैं बोलता हूँ कि मैंने सब कैफेज में खाना खा रखा है। और फसगिया का कैफे का रास्ता ऊपर से हम नीचे से आ रहे थे, तो हम रास्ता इधर जाना था, बट अलामा ने बोला ऊपर चल के देखते हैं एक बार चेक करते हैं, तो मुझे मज़ा नहीं आया कहीं और रुकने का, तो यहाँ से ऊपर जाना चढ़ाई यहाँ से ऊपर को है। तो लामा दे भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं तो आ चुका हूँ। आई थिंक फर्स्ट गियर कैफे का फर्स्ट गियर कैफे नाम क्यों होगा गाइस, गेस करो, क्योंकि चढ़ाई ऐसी है देखो, देख रहे हो, और इसका नाम है फर्स्ट गियर कैफे क्योंकि यहाँ फर्स्ट गियर लग जाता है, और मैं चढ़ चुका हूँ फर्स्ट गियर कैफे के ऊपर और दूसरा गियर भी डाल दिया। तो आई थिंक काफ़ी भीड़ है यार यहाँ पे, जगह मुझे लग नहीं था मिस खा लिया। तो गाइस यहाँ पे कैफेज में रास्ता है काफ़ी अच्छा, ये रुकते हैं, काफ़ी बाइक्स खड़ी हैं 650 से लेके और 500 भी है। लामा दाई कहाँ चले गए, इधर आओ। लामा दाई ऊपर चले गए, लामा दाई को लगा हम कहाँ आ रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, तो ये है रास्ता। तो गाइस ये है फर्स्ट गियर कैफे, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, और सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और लामा दाई आ चुके हैं यूजुअल, वहाँ लगाओ वहाँ बीच में। सीट खाली मिली यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुश्किल से सीट मिली। लामा दाई हाउ यू फीलिंग नाउ, वी गेट द सीट है, तो भाई बड़ी देर बाद सीट मिली है और बहुत टाइम लग गया सीट मिलने में। तो लामा दाई और मैं आ चुके हैं फर्स्ट गियर कैफे, और करीब करीब हमें एक घंटा वेट करना पड़ा, बट एक घंटा हमने वेट नहीं किया, हम लोग बाहर चले गए थे एज यूजुअल, बढ़िया करके होता है। तो लामा दाई को ट्रायल दे रहा हूँ, खड़ा होता नहीं होता यार, पता नहीं मेरा मुँह काला आ रहा है यार, उस तरफ से आएगा मेरा मुँह, पता है। तो गाइज अभी हम लोग ट्रायल ले रहे हैं ट्रिपल पे ट्राईपॉड पे, कैसा आएगा व्यू, तो लामा दाई अपना पूरी कोशिश करेंगे। लामा दाई दिख तो रहा है नहीं कुछ, मेरे को उधर आना पड़ेगा, लामा दाई साथ में बैठ जाए क्या? लामा दाई कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस, आपको मज़ा आ रहा है? मेरा तो फर्स्ट टाइम है इधर, अच्छा सही है, बढ़िया है, मतलब अरेंजमेंट अच्छा है, मतलब व्यू इसका मेन है, काफ़ी अच्छा गैदरिंग है इस रेस्टोरेंट का, मतलब व्यू मतलब मेन वो है, लोग अभी व्यू के लिए आते हैं। ओके तो भाई जैसा कि भाई बोल रहे हैं कि व्यू बहुत अच्छा है, व्यू बहुत सही है, और सही में वाकई में व्यू बहुत अच्छा है गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा व्यू सारा का सारा, पूरा का पूरा एरिया कवर करेंगे हम। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सराउंडिंग, नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं बढ़िया करके, काफ़ी सारे लोग हैं, यहाँ संडे है
और मौसम बहुत अच्छा खिला हुआ मौसम बहुत अच्छा Great boy, Lama boy. The Lama boy is here, boy. So Lama boy is here. काफ़ी सारी भीड़ है और हमने अभी ऑर्डर कराया नहीं है, हमें भी ऑर्डर करेंगे कुछ बढ़िया सा कुछ खाने को। तो हमारे क्या खाओगे? फ्राइड राइस। लामा दे और मेरा फेवरेट डिश है फ्राइड राइस। अगर फास्ट फूड हम देखते हैं तो फास्ट फूड हम खाने वाले हैं फ्राइड राइस। जब आएगा मेन्यू तो मैं आपको दिखाऊंगा फ्राइड राइस कैसा बना है। बहुत ज़बरदस्त बन रहा है भाई, उन्हें मज़ा आ रहा है यार। ऑब्वियसली मज़ा क्यों नहीं आएगा, देखो यार व्यू सही है ना यार, ऐसे व्यू में बैठे हम। और नाम के हिसाब से मतलब जो है ना फर्स्ट गियर रखा, तो फर्स्ट गियर में गाड़ी आती है यहाँ पे। अच्छा भाई, तो ऑर्डर दो फ्राइड राइस। दो फ्राइड राइस ना बुला, दो फ्राइड राइस ठीक है। कौन सा लोग? हाँ चिकन फ्राइड राइस। चिकन फ्राइड राइस दो। हाँ दो चिकन फ्राइड राइस करा गाइस। गाइस आ गया है हमारा चिकन फ्राइड राइस, काफ़ी बढ़िया बनाया देखो चिकन फ्राइड राइस। और यही खाने के लिए हम यहाँ आते हैं। मामा भाई और चिकन फ्राइड राइस भाई, काफ़ी ज़बरदस्त चिकन फ्राइड राइस बना हुआ है और आगे बताता हूँ कैसा है। हालांकि मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ बट कैमरे के लिए। बहुत ज़बरदस्त चिकन है ठीक है। अब इसमें चिकन है, बीन्स है, गाजर है, सब कुछ डाला हुआ है, एकदम परफेक्ट बैलेंस। क्यों ना भाई, और इस व्यू में खाने का मज़े की प्रॉब्लम है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब हम अपने मील को एंजॉय करते हैं। राइड सक्सेसफुल रही, एक घंटा वेट करने के बाद हमें बड़ी मुश्किल से मिल गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।